स्टूडेंट आई एम सोनम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे किस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश में लेटर लिखने का एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक और तरीका, वो भी बिना पढ़े, बिना याद किए और बिना प्रैक्टिस किए। आप सभी लोग इंग्लिश के पेपर में कोई भी लेटर आ जाए, आप लोग उसको मात्र हमारे जो इस वीडियो में हम आपको ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आप सभी लोग कोई भी इंग्लिश के लेटर को मात्र एक सेकेंड में बहुत ही आसान तरीके से कैसे लिखोगे। अगर आप सभी को इंग्लिश में, ठीक है, लिखने और पढ़ने दोनों आप सभी को नहीं आता है, इंग्लिश लिखना भी नहीं आता और पढ़ना भी नहीं आता, फिर भी आप सभी लोग हमारे इस बेहतरीन ट्रिक से जब सभी लोग इंग्लिश में पूरे लेटर को लिख डालोगे और आप सभी को 100% गारंटी की टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्लास 10th और 12th दोनों में लेटर आता है। ठीक है, किसी भी क्लास के स्टूडेंट आप सभी लोग हो, आप सभी के बोर्ड के पेपर में किसी भी टॉपिक पर अगर लेटर आ जाए, तो अगर आप सभी लोग हमारे इस ट्रिक की वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखे रहोगे तो आप सभी लोग उस लेटर को पूरा का पूरा लिख लोगे। ठीक है, और आपको 100% पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर देंगे। आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप सभी लोग बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरे लेटर लिखने का ट्रिक और टिप समझ में आएगा। तो देखिए, लेटर लिखने से पहले सबसे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी उस पॉइंट जिससे पूरा आपका लेटर बनेगा वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो वो पॉइंट क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, उसके बाद आपके पेपर में किस तरह से लेटर राइटिंग जो है आता है, ठीक है, आपको कैसे लिखना है पूरा लिख करके बताएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, यानी इसमें आप सभी को ये जो पत्र भेजने वाला है उसके पूरे पते के बारे में आपको लिखना है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, ठीक है, यानी कि जो पत्र प्राप्त करता है उसका आप सभी को एड्रेस लिखना है। और यहाँ पे देखिए डेट, ठीक है, यानी कि तारीख, आपको जो पत्र होता है उसमें तारीख जो होता है कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो वो तरीका हम आपको बताएंगे कौन सी तरीका है। इसके बाद है सैल्यूटेशन, ठीक है, इसका मतलब कि अभिवादन, इसमें यानी आप लोग किसको पत्र लिख रहे हो, सर को लिख रहे हो, मैडम को लिख रहे हो, ब्रदर को लिख रहे हो, सिस्टर को लिख रहे हो, ठीक है, या कोई मीडिया वाले को लिख रहे हो, यानी इसमें ये आपको सैल्यूटेशन लिखना होता है। ठीक है, यानी एडिटर, इस एक तरह से आप लोग समझिए इसको। इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब कि आप लोग पत्र जो लिख रहे हो वो उसका मेन क्या है मकसद, ठीक है, यानी कि आप लोग किस कारण से पत्र लिख रहे हो सब्जेक्ट में, वही आपको लिखना है। तो सभी चीजें बिना आपको पढ़े आपको ये पत्र लिखना है, ठीक है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बाद कंटेंट, इसमें क्या है, बॉडी है, यानी आप लोग पत्र के बारे में जो उसके बीच का होता है, ठीक है, लाइंस, उसे बॉडी कहते हैं, तो उसको हम आपको बताएंगे कैसे लिखना है। और देखिए आप सभी को सबसे लास्ट में यानी पत्र के आपको यहाँ पे थैंकिंग यू लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेटरी, ठीक है, इसमें आपका यानी कि हस्ताक्षरकर्ता जो होता है उसके बारे में, उस यानी कि आप सभी को योर फैथफुली या योर ओबीडियंटली, और उसके बाद पत्र में आपको नाम नहीं लिखा जाता है तो ABC, ठीक है, ABC या XYZ कुछ भी आप सभी लोग अपने नाम की जगह लिख सकते हो एग्जाम में। अब देखिए आपको लेटर कैसे लिखना प्रारंभ करना है, कैसे आपको लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे, ठीक है, अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो लेटर आप सभी के एग्जाम में 4 नंबर का आता है, पूरे के पूरे आपको 4 मार्क्स मिले। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो जो लेटर होता है वो आर का आता है, सॉरी, कि पूरे 10 नंबर मिले। ठीक है, हम वो ट्रिक और टिप्स आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन बी जिसमें राइटिंग दिया हुआ है, ठीक है, राइटिंग में क्या होता है, आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको लेटर का ट्रिक बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स, ठीक है, यानी ये जो पत्र है ये यहाँ पे बोला गया है कि एक पत्र लिखिए अपने पिताजी को जिसमें आप सभी लोग अपने पिताजी से, ठीक है, कुछ किताबों को खरीदने के लिए पैसा मांग रहे हो, पैसे का मांग कर रहे हो। ठीक है, ये पत्र है। अब देखिए अब आपको नहीं आ रहा है इसको लिखना कैसे, ट्रिक से आपको शुरुआत कैसे करना है, सबसे पहले आपको सबसे ऊपरी भाग पे लेटर राइटिंग लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो भी है, अगर 2 है तो 2 लिखिए, 22 है तो यहाँ पे 22 लिखिए, ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिए। इसके बाद देखिए अब आपको शुरुआत कैसे करना है, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, यानी यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, ब्लैक पेन से, या आप लोग ब्लू पेन से भी कर सकते हो, ब्लैक पेन से करोगे तो आप सभी लोग और बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप सभी को यहाँ पे एड्रेस
यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, यानी पत्र जिसको भेज रहे हो वो आपको पता लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग, अगर आपको यहाँ पे गांधीनगर आगरा यूपी इस तरीके से हमने एक एड्रेस लिख दिया है, अगर आप सभी को ठीक है कोई एड्रेस याद है, आप लोग अपना एड्रेस खुद यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आप सभी लोग अपना एड्रेस सभी लोग लिख सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे अपना ही एड्रेस लिख दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस तरीके से यहाँ पे एड्रेस लिखना है। बाकी यहाँ पे आपको किस तरीके से जो है पत्र में आपको डेट डालना होता है वो इस तरीके से, यानी कि 7th मार्च, ठीक है, और 2000 कोई भी सन है यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो XX के जगह पे, तो इस तरीके से यानी आपको ऐसे शुरुआत करना है, ठीक है, 7th मार्च ऐसे आपको शुरुआत करना है। ऐसे ही पत्र लिखोगे तभी आपको एग्जामिनर जो है नंबर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो लेटर है इसमें क्या होता है स्टेप मार्किंग होगा, ठीक है, जितना स्टेप आप लोग करोगे उतने स्टेप के हिसाब से आपको नंबर इसमें मिलेगा। यानी अगर इतने ही स्टेप सिर्फ किया आप बाकी नहीं लिखे तो आपका अगर 4 नंबर का तो 1 नंबर इस पे मिलेगा, 10 नंबर का तो इस पे आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से स्टेप मार्किंग होता है। इसके बाद देखिए क्या है, अब यहां से शुरुआत होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में भी आप सभी को ठीक है कुछ भी नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट जो है बहुत ही सरल है, इसमें खोजना इसी क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट में आप सभी को क्या लिखना है, यानी कि सब्जेक्ट में वही चीजें लिखना है जिसके बारे में, जिस टॉपिक पे ये पूरा लेटर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांडिंग मनी, यानी इस पत्र में पूरी बात जो है वो डिमांडिंग मनी पर आधारित है सबसे, ठीक है, यानी कि पैसा मांगना, ठीक है, पैसा मांगने के लिए पत्र लिखा गया है, तो वही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। और आप सभी के एग्जाम में कोई भी लेटर आ जाएगा, ठीक है, आपको सब्जेक्ट खोजने का क्या तरीका रहेगा, राइट ए लेटर टू योर फादर, ठीक है, इतना यानी यहाँ पे इतना आप सभी लोग को पढ़ने के बाद जो चीजें यहाँ पे आएगी, यानी यहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ रहा है वही प्रॉब्लम सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी इतना के बाद जो वर्ड आएगा वही सब्जेक्ट में आपको लिख देना है। और आपको सब्जेक्ट ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, सब्जेक्ट को आपको ज्यादा वर्ड नहीं लिखना है, सिर्फ आपको 2 से 3 वर्ड ही लिखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिमांडिंग मनी हो गया, या आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स, ठीक है, इतना लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको 2 वर्ड ही इसमें से लिख दीजिए डिमांडिंग मनी, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से डिमांडिंग मनी हो गया सब्जेक्ट में, ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरीके से आपको शुरुआत करना है, इधर से ऐसे शुरुआत करना है, कभी भी आपको लेटर में 2 से शुरुआत नहीं करना है, ठीक है, सीधे आपको एड्रेस से शुरुआत करना है। और इसके बाद एक लाइन गैप देने के बाद यहाँ से आपको सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हो, बट यहाँ से और बेटर है, तो यहाँ से इसके बाद एक लाइन की गैप देने के बाद यहाँ पे आप सभी को सैल्यूटेशन में लिखना है माय डियर फादर, ठीक है, किसी को भी आप लोग पत्र लिख रहे हो माय डियर फादर को, तो माय डियर फादर, माय डियर मैडम, ठीक है, और माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, माय डियर फ्रेंड भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सभी लोग, ठीक है, ये चीजें का छोटा सा वर्ड है इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिये अब यहाँ पे काम आपको लगाना है, ठीक है, और ठीक इसी के नीचे यहाँ से आपको शुरुआत कैसे करना है, देखिये यहाँ पे विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, आप सभी को हम यहाँ पे बता दें कि 3 चीजें आप सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है, पहला यहाँ पे विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, या अगर ये नहीं याद है तो आप लोग आई वुड लाइक, ठीक है, टू से, इस तरीके से आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिए, या सबसे सरल जो है वो ये आई वेक टू से दैट, ये आपका एप्लीकेशन में भी वर्क करेगा। तो ये तीनों चीजों में से आप लोग तीनों लाइन में से एक लाइन जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिये यहाँ पे विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली का मतलब अत्यंत सम्मान पूर्वक, ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोग विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यहाँ पे हमने बताया आप सभी को आई वेक टू से दैट, ठीक है, यहाँ पे दोनों वर्डों को आप लोग, यानी इस लाइन को भी लिख सकते हो और इस लाइन को, इसमें से किसी एक लाइन को लिख सकते हो। अगर आप लोग विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखते हो तो और अच्छा रहेगा, तो विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, उसके बाद यहाँ पे आई वुड लाइक टू से, ठीक है, यानी दोनों में से किसी एक को लिख सकते हो और इसके लिखने के बाद भी इसको लिख सकते हो आप लोग आई वुड लाइक टू से, ठीक है, इस तरीके से इतना लिखने के बाद, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे आई नीड सम मनी टू परचेज माई न्यू बुक्स, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए आपको इसी में से लिखना है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जहां पर योर रहेगा वहां पे आप सभी को माई लिख देना है, ठीक है, जहां पे योर रहेगा वहां पे आपको माई लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नीड सम मनी,
आपको पैसे की कुछ जरूरत है तभी आप लोग पत्र लिख रहे हो, ठीक है, आपको जो है बुक खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है तभी आप लोग पत्र लिख रहे हो। तो यहाँ पे आई नीड यानी मुझे जरूरत है सम मनी कुछ पैसों की टू परचेज, परचेज की मीनिंग इसी में है, आप लोग यहाँ से देख करके परचेज, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो यहाँ पे योर है वहां पे आप सभी को माई लिख देना है, बाकी माई बुक भी लिख सकते हो और माई न्यू बुक्स भी लिख सकते हो आप सभी लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने डैश डैश किया है और आप सभी लोग इतना भी लिख सकते हो। और बाकी ये दो लाइन जो है इसमें अगर आप सभी को इसके आगे कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, और आप लोग लेटर को ज्यादा लंबा नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर आप लोग लेटर को और लंबा लिखना चाहते हो थोड़ा बहुत, इसके बाद देखिए अगर आप सभी लोग, ठीक है, यानी लेटर जो है वो दो से तीन लाइन ही इसमें लिखा जाता है, लेकिन अगर आप लोग एक दो लाइन और बढ़ाना चाहते हो तो अपने मन से लिख सकते हैं। अगर अपने मन से भी नहीं लिख सकते तो आप सभी को यहाँ पे जो सेक्शन ए में रीडिंग में पैसेज दिया है उसमें से आपको यानी वन से लेकर के सक्सेस तक दो लाइन आपको पैसेज का, ठीक है, बीच से उठाकर यहाँ पे आपको छाप देना है, ठीक है, जिससे आपकी लेटर थोड़ा बड़ी हो जाएगी और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो इतने दो ही लाइन ही लिखा जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा लाइन याद कर लेना है देयर फोर, ठीक है, यहाँ पे देयर फोर कामा आई रिक्वेस्ट यू टू, बस आई रिक्वेस्ट यू टू की मीनिंग याद कर लीजिए, बाकी यहाँ पे डिमांडिंग मनी जो है दिया हुआ है, डिमांडिंग मनी उसको आप लोग यहाँ पे मीनिंग देखकर लिख दीजिए, ठीक है। लास्ट में आपको इस साइड में लिखना है थैंकिंग यू, सभी लोग को थैंकिंग यू की मीनिंग याद है। इसके बाद योर्स ओबीडियंटली, या यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो योर फैथफुली, ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे नाम नहीं लिखा जाता लेटर में, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरे लेटर ऐसे ही बनाना है, ठीक है। कोई भी आप सभी के लेटर आज एग्जाम में आप सभी को उसी क्वेश्चन से ही लेटर बनाना है, क्वेश्चन से आप लोग लेटर बनाइए, ठीक है, आपका 100% गारंटी कि पूरा का पूरा राइट हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर देंगे, एक भी नंबर आप सभी का नहीं कटेगा, ठीक है। यानी 10 नंबर का है तो बहुत कटेगा, तो एक नंबर कटेगा, 9 नंबर आपको मिलेगा, 4 नंबर का तो आपको 3 नंबर मिलेगा, लेकिन ये नहीं कि आपको बिल्कुल भी 0 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, आपको ऐसे नहीं मिलेगा। आप सभी को हमने बताया कि इसमें स्टेप मार्किंग होता है, अगर इतना लिखे तो इसमें 2 नंबर, ठीक है, बाकी यहां तक लिखे आप सभी लोग तो इसमें 1 नंबर, बाकी लास्ट तक लिखे तो इसमें 1 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, और 10 नंबर के हिसाब से आपको इसमें 2 नंबर मिलेगा, इसमें 3 नंबर मिलेगा, ठीक है, और बाकी लास्ट में यहां से लेकर यहां तक आप लोग लिखे तो उसमें भी आप सभी का 5 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को ये स्टेप मार्किंग होता है, ऐसे ही आपको पूरा लिखना है, ठीक है। और भी इंग्लिश में आप सभी को जैसे लेटर एप्लीकेशन हो गया, लॉन्ग आंसर हो गया, शॉर्ट आंसर हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गई, पूरे इंग्लिश के पेपर मैनुअली टॉपिक में पास होने की ट्रिक की वीडियो चाहिए तो आपको इसी वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएंगे 4, उसी पर क्लिक करके आप सभी लोग देख लीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।